रियलमी एंड साओमी दोनों ब्रांड का ही जो स्मार्टफोन आते हैं वो बहुत ही बढ़िया गुड क्वालिटी के स्मार्टफोन होते हैं। और यहाँ पर रियलमी ने उसकी नार्जो सीरीज़ के स्मार्टफोन लॉन्च किया है, रियलमी नार्जो 10। एंड इसके साथ आज हम कंपेयर करने वाले हैं मार्च महीने में लॉन्च हुआ साओमी ब्रांड के स्मार्टफोन रेडमी नोट 9 प्रो। दोनों का जो प्राइस रेंज है वो इतना ज़्यादा डिफरेंस नहीं है, मतलब दोनों का प्राइस रेंज बहुत ही नज़दीकी है, लेकिन बात आती है कि इन दोनों फ़ोन में कौन सा फ़ोन सबसे ज़्यादा बेस्ट होगा आपके लिए, जहाँ पर आपको एक अच्छी कैमरा क्वालिटी, अच्छी डिस्प्ले क्वालिटी एंड अच्छी प्रोसेसर मिलेगी। तो ये जानने के लिए वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखें। हेलो गाइज, आई एम जयदीप एंड आप देख रहे टेक्निकल जयदीप चैनल को। और यहाँ पर हम सबसे पहले कंपेयर करेंगे इन दोनों फ़ोन की प्राइस के साथ। यहाँ पर देखा जाता है रियलमी नार्जो 10 अभी तक इंडिया पर एक वेरिएंट के साथ लॉन्च हुआ है, जो वेरिएंट है 4GB रैम एंड 128GB का स्टोरेज, प्राइस 11,999 रुपीज़। और रेडमी नोट 9 प्रो इंडिया पर दो वेरिएंट पे लॉन्च हुआ है, एक वेरिएंट है 4GB रैम एंड 64GB का स्टोरेज, प्राइस 13,999, एंड दूसरा वेरिएंट है 6GB रैम 128GB का स्टोरेज एंड प्राइस है 14,999 रुपीज़। और यहाँ पर स्टोरेज के साथ कंपेयर करके मुझे लगता है, मेरा जो ओपिनियन है कि रियलमी नार्जो 10 यहाँ पर 11,999 रुपीज़ पर एक बेस्ट रैम एंड स्टोरेज आप सभी को प्रोवाइड कर रहा है। और अब हम कंपेयर करेंगे इन दोनों फ़ोन के डिस्प्ले के साथ। यहाँ पर आपको रियलमी नार्जो 10 पर मिल जाता है 6.5 इंच फुल HD प्लस डिस्प्ले एंड रेजोल्यूशन क्वालिटी जो है 720x1600, एस्पेक्ट रेशियो है 20:9 एंड इसका जो डिज़ाइन है डिस्प्ले की वो है मिनी ड्रॉप नॉच स्टाइल डिस्प्ले, एंड स्क्रीन टू बॉडी रेशियो आपको मिल जाता है 89.8% एंड उसके साथ आपको मिलता है 2.5D गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन। और अब हम बात करते हैं रेडमी नोट 9 प्रो की डिस्प्ले। तो रेडमी नोट 9 प्रो पर आपको मिल जाता है 6.67 इंच सिनेमेटिक डिस्प्ले, एस्पेक्ट रेशियो 20:9, रेजोल्यूशन क्वालिटी 1080x2400 पिक्सल, गोरिल्ला ग्लास की प्रोटेक्शन एंड इसका जो डिज़ाइन है वह पंच होल डिस्प्ले। सो ओवरऑल डिस्प्ले कंपेयर करके मुझे लगता है, मेरा जो ओपिनियन है कि यहाँ पर आपको रियलमी नार्जो 10 पर एक बेटर डिस्प्ले मिल जाएगा एज कम्पेयर टू रेडमी नोट 9 प्रो। और अब हम कंपेयर करते हैं इन दोनों फ़ोन के प्रोसेसर के साथ। यहाँ पर आपको रियलमी नार्जो 10 पर मिल जाता है मीडियाटेक हेलियो G80 चिपसेट, एंड रेडमी नोट 9 प्रो पर आपको मिल जाता है क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 720G चिपसेट, उसी के साथ जेड एक्सिस वाइब्रेशन मोटर, एंड स्पेशली यहाँ पर गेमर के लिए दिया गया है स्नैपड्रैगन लाइट गेमिंग फीचर। तो अगर आप एक स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो सिर्फ गेमिंग करने के लिए, सो आपके लिए यहाँ पर Redmi Note 9 Pro बेस्ट होगा एज कम्पेयर टू Realme Narzo 10। अब हम कंपेयर करते हैं इन दोनों फ़ोन के कैमरे के साथ। मिल जाता है बैक साइड पर क्वाड कैमरा सेटअप, प्राइमरी कैमरा है 48 मेगापिक्सल, 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड लेंस, 2 मेगापिक्सल का पोर्ट्रेट कैमरा, 2 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर, और फ्रंट पर आपको मिल जाता है 16 मेगापिक्सल फ्रंट कैमरा एंड 30fps 1080p वीडियो कैप्चरिंग का सुविधा, जो कि एक बेस्ट क्वालिटी यहाँ पर कैमरा आप सभी को प्रोवाइड करता है रियलमी नार्जो 10 आई होप। लेकिन कंपेयर करने के बाद मुझे पता चलेगा कि कौन सा स्मार्टफोन यहाँ पर एक बेस्ट क्वालिटी की कैमरा आप सभी को प्रोवाइड करता है। तो अब हम बात करते हैं रेडमी नोट 9 प्रो की कैमरा के बारे में। तो रेडमी नोट 9 प्रो की बैक साइड पर आपको मिल जाता है क्वाड रियर कैमरा सेटअप, जहाँ पर 48 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा, उसके साथ 8 मेगापिक्सल का अल्ट्रा वाइड कैमरा, 5 मेगापिक्सल का मैक्रो सेंसर, 2 मेगापिक्सल का डेप्थ सेंसर आपको मिल जाता है, एंड फ्रंट साइड पर आपको मिलता है 16 मेगापिक्सल इन डिस्प्ले फ्रंट कैमरा, सुपर स्टेबलाइजेशन एंड आपको मिलता है प्रो वीडियो मोड फीचर। तो कैमरा के साथ कंपेयर करके यहाँ पर मेरा जो ओपिनियन है, मतलब मुझे जो लगता है कि रियलमी नार्जो 10 एक बेस्ट क्वालिटी की कैमरा आप सभी को प्रोवाइड करेगा एज कम्पेयर टू रेडमी नोट 9 प्रो। अब बात आती है कि इन सारे टॉपिक या फिर इन सारे फीचर्स को कंपेयर करने के बाद Realme Narzo 10 के साथ Redmi Note 9 Pro, मेरा जो ओपिनियन है कि यहाँ पर अगर एक स्मार्टफोन आप खरीदना चाहते हो सिर्फ गेमिंग करने के लिए,
तो आपके लिए यहाँ पर Redmi Note 9 Pro बेस्ट ऑप्शन है। एंड अगर आप एक स्मार्टफोन खरीदना चाहते हो अपने सोशल मीडिया यूज़ करने के लिए, एक अच्छी फोटोग्राफी करने के लिए, एंड थोड़ा बहुत अगर गेमिंग करने के लिए, तो आप यहाँ पर Realme Narzo 10 को परचेस कर सकते हो। तो ये थी तो मेरा ओपिनियन, आपका ओपिनियन क्या है मुझे नीचे कमेंट बॉक्स पर कमेंट कीजिए, और वीडियो कैसा लगा कमेंट कीजिए। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ, चैनल को सब्सक्राइब करें ऐसे इंटरेस्टिंग वीडियोस और भी देखने के लिए। मैं मिलता हूँ आपसे किसी दूसरे वीडियो पर, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।